हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने मिथाइल अल्कोहल मतलब जहरीली शराब का सेवन कर लिया है तो उसके जहर के प्रभाव से बचाने के लिए उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, मतलब कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इससे। अच्छा, एक बात बता दे दोस्त, इससे पहले कि हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, हम आपको ये जानकारी दे दें कि वीडियो में अपने केमिस्ट्री के किताब के ज्ञान के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो हमारे केमिस्ट्री में मिथाइल अल्कोहल के जहर के प्रभाव से बचाने के लिए उपाय बताया गया है। मैं कोई इस विभाग का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसीलिए ऐसा ना हो कि हमने जो आपको सजेस्ट किया मेथड उसको आपने किसी पर अप्लाई कर दिया, मालूम चला कि वो व्यक्ति राम प्यारा हो गया। आप ये कहिए कि हमने आपको ये मेथड बताया था कि कैसे जहर उतारा जा सकता है। तो आई जरा समझने की कोशिश कर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको जान के हैरानी होगी, हैरानी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको मजा आएगा जानकर कि यार इस तरह से इलाज किया जाता है इस जहर का। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि मिथाइल अल्कोहल जहरीला कैसे हो रहा है, अब फिर उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार है। देखिए जरा, ये है आपका मिथाइल अल्कोहल। जब मिथाइल अल्कोहल किसी व्यक्ति ने पिया तो उसके शरीर में गया और शरीर में जाने के बाद जो एंजाइम होते हैं इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होता है तो पहले बनता है अल्डिहाइड और अल्डिहाइड के बाद एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होने के बाद एक एसिड बनाया HCOOH। हम चाहते हैं जानकारी के लिए कि आपको इसका नाम बता दें, इसका नाम है फॉर्मिक, ये फॉर्मिक एसिड है। इसी का जो IUPAC जो नेम है वो है मिथेनोइक एसिड, मतलब एक ही है। आप समझ लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं ना, उसी तरह से बात है। दो नाम का मतलब एक घर द्वार के लोग जो आसपास से बोलते हैं और एक जो रजिस्टर्ड नाम होता है, तो ये घर द्वार पे बोलने वाला नाम है, इसको कॉमन नेम कहते हैं हम लोग। और ये है इसका IUPAC नेम, जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया भर के लोग इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। तो बात आते हैं, शुरुआत करते हैं। ये है मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब, किसी व्यक्ति ने पिया, उसके शरीर में गया और वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीकृत हो गया और बना एक जहर, जबरदस्त जहर। ये चीटी वगैरह जो होती है ना, हड्डा बीड़नी चीटी जो काटते हैं और डंक आपको जो चुभता है थोड़ी सी भी कि लगता है कि भाई परेशानी हो रही है, उसके शरीर में यही जहर होता है। तो ये जहर है और यही सारा खेल कर रहा है शरीर में जाकर के, यही जो है ना डेथ का कारण बन रहा है, यही आंख के अंधापन का कारण बन रहा है। अब सवाल है कि किसी व्यक्ति ने पी लिया, अब क्या करें? अब देखिए इसका कितना जबरदस्त इलाज है। तो अब क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी ये मिथाइल अल्कोहल मतलब जहरीली शराब पी है, उसके नसों में फिर से शराब चढ़ाया जाता है। और कौन? इथाइल अल्कोहल, माने जो ड्रिंकेबल होता है, जिसको लोग शराब के रूप में पीते हैं, वाइन। तो अब क्या करते हैं कि अब उस जहरीली शराब से जो व्यक्ति जो ग्रसित है उसको आपने वाइन जो है उसके नसों में चढ़ा दिया। अब ये किसे क्या हो रहा है जरा समझिएगा। तो जैसे ही चढ़ा रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया और ये बदल गया CH3COOH में। अब इससे ये हो क्या रहा है? तो देखिए, पहले से शरीर में मौजूद है आपके पास मिथाइल अल्कोहल जो एक जहर में बदल रहा है। जहर में बदलने के लिए एंजाइम जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है, तो जो एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन का काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि आपने क्या कर दिया कि अब ये तो शरीर में है ही, आपने डाल दिया उसमें वाइन, चढ़ा दिया उसके नसों में, दो चार बोतल रगड़ दिए कि ले भाई वाह पी, सो के ही पी दो चार बोतल, कुछ ही ज्यादा हो गया। मेरे कहने का मतलब कि उसको इथाइल अल्कोहल उसको चढ़ाया गया। अब इथाइल अल्कोहल चढ़ाने से हुआ क्या कि जो एंजाइम इसको ऑक्सीडेशन करने में लगे हैं, माने जो काम ये एंजाइम जो है इसका ऑक्सीडेशन करके और ये बदल रहा था, अब ये रुक गया। अब ये एंजाइम लग गए इसको ऑक्सीडेशन करने में, मतलब यूं समझ लीजिए कि आपके शरीर में मतलब जो भी शराबी सबके शरीर में वाला हुआ है जिसने मिथाइल अल्कोहल पिया, मिथाइल अल्कोहल को कुछ एंजाइम है जो बदल रहे हैं जहरीली पदार्थ माने फॉर्मिक एसिड में। तो अब क्या किया गया कि आपने डाल दिया उसमें इथाइल अल्कोहल शरीर में, अब जो ये एंजाइम जो ऑक्सीडाइज कर रहे थे इसमें, अब वो काम में लगे इस काम करने में, मतलब इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड में बदलने में लग जाते हैं।
तो इस तरह से ये जो आपके शरीर में ही पड़ा रह गया, क्योंकि इसका तो रूपांतरण हो नहीं रहा है इस जहर के रूप में, तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एंजाइम अब किस काम में लग गए, तो इथाइल अल्कोहल को रूपांतरित करने में लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि ये ज्यादा इजिली रूपांतरित होता है ये जो मिथाइल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। अब आपके शरीर में मिथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, सुरक्षित पड़ा हुआ है, वो जहर तो तब होगा जब बनेगा कहाँ, तो फॉर्मिक एसिड में। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, तो डायलिसिस प्रोसेस द्वारा या किसी भी प्रक्रिया से कोशिश करते हैं कि इसको शरीर से निकाल लें, क्योंकि जब तक ये शरीर में मौजूद है तब तक इस बात का खतरा अंदेशा बना हुआ है कि एंजाइम इसको ऑक्सीडाइज करके और इस जहर में बदल देंगे। तो आपने कुछ देरों के लिए क्या किया, उसको रोक लगा दिया, एंजाइम को दूसरा काम दे दिया, भाई देख तुम इसको इस जहर में मत बदल, फिलहाल तुमको दिया जा रहा है ये अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल है, इसको ये काम कर। तो इस तरह से वो एंजाइम जो है लग जाता है इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड में बदलने में, और तब तक कुछ समय मिल जाता है कि कैसे शरीर से इसको निकाल लिया जाए, डायलिसिस या और प्रक्रियाएं होती हैं जिससे उसको निकाल